ये भी कैरेक्टर वाले ही है, देखा तो सारे आपने। ये निछावर खा खा के मतलब बड़ा हुआ है, शुरुआत में कम था लेकिन लोग जैसे जैसे इसको पसंद करते गए शो को, तो मेरे हिसाब से ये बढ़ता है। अभी देखिए आने में थोड़ा सा लोग बोलने कम हुआ है। योगी जी, जी बताएं, दो सीजन पहले ही आ रहे हैं आपके, तो तीसरे के लिए कैसे क्या निकल पाया और कैसे मैनेज कर पाएंगे? नहीं फिलहाल तो अभी दो ही है, तीसरा जो कर रहा था उसमें अभी वो दूसरा सोचना पड़ेगा, क्योंकि इतना तो टाइम नहीं मिल पाएगा। कुछ 12 घंटे की शिफ्ट होती है, तो भाभी जी करूँगा और भाभी जी के साथ साथ अभी एक नया शो जो आ रहा है, तो ये दोनों ही हैं अभी फिलहाल। और उसमें जो आप देखते थे तो वो जितने भी हम एपिसोड हैं वो एलिका शो पर, उसके बाद तो अभी दो ही मैनेज कर रहे हैं। ये भी थोड़ा मुश्किल है क्योंकि भाभी जी में भी मेरा जितना आप लोग पहले देखते थे वो तो रह गई है, क्योंकि मैंने जब से इसके पोस्ट डाले हैं तो कई लोगों ने हमेशा ये पूछा है मुझसे कि क्या भाभी जी छोड़ रहे हैं, या भाभी जी में आपका कम हो रहा है, या भाभी जी तो नहीं, मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें। तो सबसे पहली बात तो यह है कि भाभी जी ना तो बंद हो रहा है और ना मेरा कैरेक्टर उसमें कम हो रहा है, दोनों वो तो चलेंगे, बट मेन चीज़ ये कि घर की ज़िंदगी कैसी होगी दरोगा की, उसको लेके एक नया शो आ रहा है जिसमें हमेशा लोग पूछते थे कि भाई आपके नौ बच्चे कब दिखेंगे, बीवी प्रेगनेंट अब तो सामने बैठी है वैसे। तो बहुत हमेशा मैं जब भी बाहर जाता था उनका पहला सवाल यही होता था कि भाभी जी में कब आ रहे हैं। तो ये और अच्छी बात है कि एक नया शो आप लोगों के लेके आ रहे हैं सामने, कि रियल में अब दरोगा का वो रूप देखेंगे जो आपने अभी भाभी जी में देखा, उसके और विस्तार उसका एक तरह से कह लो आप, तो वो पढ़ के अभी माँ के साथ उसका कैसा रिश्ता है, बेटों के साथ, बच्चों के साथ, बीवी के साथ, तो वो है। तो फैमिली की कहानियाँ होंगी, हल्की फुल्की कॉमेडी, और भाभी जी तो चलते ही रहे। जीजा जी चल रहा है मेरा, उसमें नहीं होगा, जीजा जी भी चल रहा है। जो सीरियल भाभी जी छोड़ धारावाहिक आएगा जी, इसमें सारे बच्चे दिखाई देंगे, तो क्या वहाँ पे भी वो प्रेग्नेंट रहेगी बीवी? किस पे? भाभी जी घर पर। भाभी जी कब देखा किसी ने? नहीं नहीं नहीं, आप इस तरह से बोलेंगे ना फिर भी? नहीं नहीं, वही तो पहले एपिसोड में खुलासा होगा, जब लोग कहते, जैसे जो आपने सवाल पूछा वो पूरी दुनिया पूछ रही है, वो पहले एपिसोड में पता चलेगा कि क्या चक्कर क्या था, वो अभी नहीं बता सकता मैं। कुछ तो नहीं, बाकी सब बताऊंगा, लेकिन पहले आपने पहले एपिसोड की चीज पूछ ली है ये, क्योंकि जो आपने पूछा ये पहले एपिसोड में डायलॉग ही मेरा ये है, जिससे लोगों को पता चलेगा कि ये क्या बोलता था, क्यों बोलता था, मतलब रीजन क्या है, तो सारे जवाब है। बट अगर पहला एपिसोड ही बता दो तो फिर मजा नहीं आएगा, बाकी कैरेक्टर वही है और वो वहां पे वही बोलेगा जो बोलता है, कुछ भी चेंज नहीं होगा। भाभी जी में तो जैसे मैं दिखता हूँ वैसे जी। अपने बच्चों की संख्या आप कहाँ तक ले जाना चाहेंगे? मैं सोच रहा हूँ अगर लोग काफी पसंद करते रहे तो ये संख्या बढ़ाते रहे। नहीं फिलहाल तो 9 बच्चे ही हैं और माँ का कैरेक्टर है, भवानी जी कर रहे हैं। 4 साल से सर, तो 4 साल होने वाले हैं। 4 साल से कैसे होगी जब 9 बच्चे हैं, तो 9 साल से होगी ना? नौ बच्चे 10 साल से होगी। जी जी, तो ये सारे सवालों के जवाब आपको बस एपिसोड में मिलेंगे। तो हिमानी जी आपने समझाया है कि ये सही चीज पूछी है, घरेलू बात। आजकल हर माँ बाप से पूछो, बच्चे कहाँ सुनते हैं माँ बाप, वो अपने अपने में चलते हैं, हम तो खुद परेशान है कि एक हो दो हो, लेकिन दादी को हमेशा मजा आता है कि जितने बच्चे हो ना, हाँ, अतरंगी बच्चे, हाँ, और हर बच्चा अपने आप में अलग है, तो रौनक बनी रहती है घर में। तो आजकल छोटी सी न्यूक्लियर फैमिली होगी, लेकिन होनी चाहिए क्योंकि पॉपुलेशन बहुत बड़ा इश्यू है, लेकिन हमारे तो हर कैरेक्टर की अपनी कहानी है, बच्चे भी सब अलग हैं, तो समझाने से तो क्या, ये तो इनकी चलती रहती है कहानी। और ये आपको अभी आप प्रोमो देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि ये क्यों ऐसे कर लिया इन्होंने, दोनों बच्चे क्यों करें, वो आप प्रोमो देखिए, प्रोमो नहीं दिखा है ना, देख लिया ना, तो आप समझ गए बेचारे को जबरदस्ती इनकी नसबंदी हो रही थी, उन्होंने उसका बदला निकाल लिया। ऐसे रो रहा है वो भी दिखाया प्रोमो में, वो समझ लो आप। जी दरोगा मतलब पढ़े लिखे इंसान हो करके भी इतना जनसंख्या बढ़ा रहे हैं, तो क्या इस पर क्या रीजन है? लोगों को आप क्या मैसेज दे रहे हैं इस सीरियल से? नहीं मेरा देखो, मैं हमेशा बोलता हूँ, देखो जैसे आपने ये सवाल पूछा, ऐसे मैं जब भी जाता हूँ चाहे वो इवेंट्स हो या ऐसे भी,
हमेशा पूछते कि क्या आप ये मैसेज दे रहे हैं या सीरियल वाले ये मैसेज दे रहे हैं, बच्चे इतने होने चाहिए, घूस लेना चाहिए या ये मैसेज। मैंने कहा नहीं, ये मैसेज ऐसा कि एक फनी सा कैरेक्टर बनाया है तो कुछ चीज़ें तो डालनी पड़ेगी, लेकिन इसका मतलब हम ये संदेश नहीं दे रहे हैं हमारी यूपी की पुलिस है जो बहुत मेहनत करती है, रात दिन मेहनत करती है, तब हम जैसे लोग कैंटीन नहीं सो पाते हैं, और हम ये कभी मैसेज नहीं दे रहे कि वो ऐसा कर दे। पर ये फनी सा कैरेक्टर डाला गया, आप उसको उसी लेवल पर देखो, उसमें ये मत सोचो कि हम ये चीज़ दिखा रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं दिखा रहे कि घूस लो या नौ नौ बच्चे पैदा करो या गोरी में जैसे जो भी महिलाएं हैं मोहल्ले में या गलियों में घूम रही हैं उनको जाके छेड़ो। वो एक प्यारा सा कैरेक्टर है, वो नेगेटिव ऐसा कैरेक्टर नहीं है, पर मैसेज ऐसा कतई बिल्कुल भी नहीं दे रहे हैं। इतना सीरियल में आगे देखने को मिलेगा कि जनसंख्या और ऐसा कुछ नहीं है, वो तो चूँकि एक लाइन थी, हिट थी, और वो अब शो बनना है तो वो तो लाना ही पड़ेगा, शो में बोला है तो वो सब। और सारे बच्चे जो भी कास्ट में बहुत ही अतरंगी बहुत ही अच्छे हैं, तो उनके सीन्स में भी कभी कोई ऐसा मौका नहीं मिलेगा कि लोग बोर हो। ये नहीं होगा कि मैं ही आ रहा हूँ या ये आ रहे हैं ये तो ही अच्छा लगता, सभी में कुछ ना कुछ ऐसा है कि आपको देखने में मज़ा आएगा। किसी में कुछ क्वालिटी है, कोई बच्चे में कुछ है, कोई दादी का दादा चमचागिरी कर रहा है, कोई मेरी तो सब अतरंगी है कास्ट जी। हाँ, ब्रज भाषा और बुंदेलखंड का मिक्स है। तो आपके जो बाकी साथी कैरेक्टर्स हैं उनको ये भाषा समझने में प्रॉब्लम होती है, जैसे आपने कुछ वर्ड्स का मतलब कहेंगे कि वो साथी कलाकार ये तो आपकी लैंग्वेज समझ में आती है इजीली, जैसे आपने कुछ शब्दों का मतलब समझ में नहीं कर रहा हूँ, वो बोल रहे हैं सीरियल में, ये तो प्रॉपर वहीं इंदौर से हैं। जैसे आपने बोला घुइया के खेत में ये तो बिल्कुल ट्रेंड मतलब चल गया है, आप लोगों की टी शर्ट में लिखा होता है घुइया के खेत। हाँ। तो आप ये यूजुअली लाइफ में भी यही वर्ड यूज करते हैं, आप लोग यूज करते हैं ये वर्ड? नहीं, आप जिंदगी में घर घर पे अपने अपने नहीं है लेकिन हाँ शूटिंग में मस्ती में खूब बोलते रहते हैं, लेकिन ये मुझे लगा आप ही बोल रहे हैं कि ये लोगों को समझ में आएगी कि नहीं, तो ये लोग आप तो बोलेंगे अभी बुंदेली में कुछ? हाँ मैं कुछ भी बोल दूंगा, बताइए आपको कौन सा डायलॉग सुनना है। मैं भी बुंदेलखंड से हूं तो वो इजी होगा। आप बुंदेल कहाँ से? मैं महोबा से हूं। दो तो बहुत पास से, अब मैं झांसी से हूँ, मेरी दीदी की शादी भी महोबा में हुई है। हाँ मतलब आपके सवालों के जवाब या सीरियल का कुछ डायलॉग? आप जो भी पूछो सर, जो पूछने हैं पूछो, ऐसी सवाल ना कर दें जो कि दरोगा के घोर का मुंह में आ जाए। सबसे इंटरेस्टिंग जो है आपके किरदार में कि आपका जो हेयर स्टाइल है वो बहुत पॉपुलर है, तो ये आपका खुद का है या कौन उम्मीदा है आपका? नहीं बुंदेली में बताऊं या ऐसे? बुंदेली में बताइए आप। ऐसा है कि मजा नहीं आएगा, मेरे शो के जो डायरेक्टर मैं बताऊँ इसका, वैसे तो मैंने ऐसे बहुत सारे, मैं इसके पहले सर के साथ जो उसके कैरेक्टरों के साथ FIR शो करता था, तो मैंने ऐसे या इससे ज्यादा बहुत सारे टिपिकल कभी बालों का ये लोग कभी पेड़ कभी कुछ बहुत सारे करते थे, तो उनको पता था कि ये कुछ ना कुछ तो बनाएगा, तो ये सब मैंने उनको डिजाइन करके बताया। सर का आइडिया था कि थोड़ा सा पेड़ वेड़ भी लगा देंगे, तो सब उनकी परमिशन के बाद ऐसे मैंने बहुत कैरेक्टर FIR में किए, तो जब ये कैरेक्टर जिस टाइप का बताया गया उस हिसाब से, जैसा योगेश दिखता है या हमेशा लोग बोलते हैं कि जैसे आपके फेसबुक पे फोटो दिखती है आप बिल्कुल अलग दिखते हो, तो उसमें तो मजा नहीं आता, वैसे अगर मैं चलता उठता बैठता तो मजा नहीं आता, तो उस हिसाब से फिर मैंने ये बनाया, मूंछों का ये आइडिया दिमाग में, सर का ये पेट वेट, तो ऐसे करके एक अच्छा खासा कुछ फनी सा कुछ बन के चीज जो आई वो लोगों को पसंद आई, तो ये बाल बाल सबसे जी। अम्मा से बहुत प्यार करती हूँ और मुझसे बड़ी दरोगा हमारी अम्मा है। योगेश जी, जैसे हम लोग भाभी जी जनता के एपिसोड में देखते हैं कि कुछ हफ्ते की स्टोरी होती है, लगभग एक हफ्ता 10 दिन की एक स्टोरी होती है जिसको हम लोग देखते हैं, फिर स्टोरी आ जाती है, तो क्या इसमें भी इस तरह की स्टोरी? फिलहाल तो अभी मुझे भी यही सुनने में आया कि एक हफ्ते की हम लोग रख रहे हैं शायद, जो जैसे भाभी जी में है 7 दिन की स्टोरी होगी और फिर मंडे से आएंगे, इस तरह का अभी है, बाकी फिर लोगों की पसंद और जैसा जैसा रिव्यूज आएंगे, कभी हो सकता है हमें लगेगा तो हम छोटी स्टोरीज भी लाएंगे, लगेगा कि कुछ लंबी हो रही है तो अच्छा रिस्पॉन्स और अच्छा आएगा, तो उसके हिसाब से चेंज हो, अभी मेरे हिसाब से जो 2-3 स्टोरीज कर रहे हैं वो तो शायद 6-7 दिन की है। योगेश सर, मेरा सवाल है आपसे कि आपका जो किरदार है अब्बू जी का बड़ा शानदार है, लोग उसको पसंद भी कर रहे हैं, तो आपको इस किरदार में आने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ी आपको, जरा उसके बारे में आप बताइए।
जब ये मुझे बताया था कैरेक्टर किस टाइप का ये कैरेक्टर सोच रहे हैं, तो जिस टाइप का बताया तो उसमें तो चूंकि मैंने पहले भी एफआईआर में काफी सारी की तो बहुत ज्यादा तो नहीं, थोड़ा सा जब बताया कि रिश्वत को बोले, जैसे मैंने पहला सीन कर रहा था जब भाभी जी में मेरा पहला दिन था तो बहुत फास्ट, तो सर बोले नहीं नहीं बहुत आलसी टाइप का है, तो जो दर्द जो अरे दादा जो निकला है वो वहीं से एक साइटिका का एक पेन है और बहुत दौड़ धूप करके नहीं लाश भी पड़ी है उसको कोई नहीं अपना मोबाइल पे ही लगा है, तो जो पहला सीन में बहुत जल्दी जल्दी कर रहा था कि आपका ये हुआ तो रिपोर्ट लिखना ये करना वो, उन्होंने फिर थोड़ा सा समझाया तो फिर मैंने उस पर काम किया, तब ये चाल ढाल हंसला पान खाना और ये स्लो और आलसीपन वो सब वो बात है, शुरू में मेरे दिमाग में इतना सब नहीं था, जब उन्होंने बोला कि ये थोड़ा सा वैसा है तो वो मैंने कई बार पहले सीन में अरे भगवान भी बोला है उठते हुए अरे दादा वो अरे दादा लोगों को अच्छा लगा तो वो चीज़ें जुड़ती गई, तो सर का भी काफ़ी जैसे जैसे वो ब्रीफ बताते गए वैसा वैसा और धीरे धीरे और बनता गया। योगेश जी पान खा रहे हैं या लिपस्टिक खा रहे हैं आप अभी? अभी तो सर पान नसीब ही नहीं हुआ, सुबह सुबह आ गए तो उसको हल्का सा कि आपको फील मिल पाए तो हल्का सा ले लिया, वैसे भी शूट पे भी हल्का यूज करता हूँ और दो तीन पान यूज करता हूँ क्लोज में। हमने कई स्टोरी पढ़ी थी आपकी, उसमें आपने लिखा था मतलब बताया था कि हाँ। कई सारी लिपस्टिक बारह घंटे की शिफ्ट होती है तो सब कुछ ही चेंज हो गया है, मतलब अभी आपको हालत भी दिख रही होगी कि अभी यहाँ से भाग के जब सुबह सीधा शूट पे पहुंचना है, फर्क तो पड़ता है, घर में थोड़ा सा टाइम कम हो पाता है दे पाते हैं, और जो भी मेरे हिसाब से आज रनिंग सीरियल में फंसा हुआ है सबकी लाइफ ऐसी है, सुबह 7-8 बजे आप घर से निकलते हो और मेकअप करते आते 9:30 बजता है, घर आते आते 10:30-11। FIR ज्यादा क्योंकि FIR में प्रॉब्लम ये थी कि हर 3 दिन में आपका कुछ ना कुछ कैरेक्टर बदल रहा है, अगर आज मैं रिपोर्टर का कर रहा हूँ तो हो सकता है लेडीज बनाओ, परसों एक नौकर का रोल है तो परसों फिर वकील का है, एक ही कैरेक्टर करना मेरे हिसाब से बहुत आसान है, अगर वो पकड़ में आ गया तो आपको फिर रोज उतनी मेहनत नहीं करनी, बट अगर आज मैं एक बार दरोगा कर रहा हूँ और 3 दिन बाद मुझे भाभी जी के कोरियर बॉय का करना है और परसों फिर मुझे भाभी की सहेली का एक लेडीज कैरेक्टर करना है, फिर जाकर फिर एक बूढ़े बाप का, तो मैंने तो बुजुर्ग के बहुत रोल किए FIR, तो FIR में सीखने को बहुत मिला और शायद वही आज काम आया है, वरना जैसा मैं देखता हूँ शायद मेरे लिए बहुत मुश्किल होता दरोगा का, मैं तो कहीं से भी एकदम से शायद नहीं था, तो वो बहुत काम आया, थिएटर भी काम आया और FIR के जो बदल बदल के हर दिन करते थे वो भी बहुत काम आया। जी बड़ी अच्छी कहावत है कि दरोगा जी चोरी हो गए, हाँ दरोगा का दबंगी जो होता है बहुत ज्यादा है, लेकिन आपकी जो फौज है उलटन पलटन की इसमें क्या मुश्किलें आती हैं आपके साथ, क्योंकि आपके साथ वर्दी है लेकिन तो भी बहुत नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, जो अभी तक आपने देखा नहीं है उससे ज्यादा मुश्किलें हैं, क्योंकि ये बीबी और माँ के बीच में फंसा हुआ कैरेक्टर है, जब ड्यूटी से आता है दिन भर की थकान के बाद तो बीबी के पास जाता है तो बीबी की सुननी पड़ती है, चार बातें वो अम्मा की बताएगी, मम्मी के पास जाएगा जब उनके पैर दबाता है तो बीबी की सुननी ज्यादा कुछ हो जाता है ना तो क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाए कुछ तो अनपच हो जाती है, हाँ तो इसके लिए हाथबोला का क्या इंतजाम किया है? नहीं उसमें ऐसा कुछ है नहीं कि हाथबोला की जरूरत पड़े, आप यही कहोगे कि बहुत ही हल्का फुल्का कॉमेडी शो आ रहा है, कोई चीज आपको ओवर लगेगी नहीं, सबसे खासियत तो यही है। जी मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा है कि मैं हप्पू जी की बीवी हूँ और आप सभी को भी बहुत अच्छा लगेगा हमारा ये सीरियल देख के हप्पू की उल्टन पुल्टन, तो उम्मीद है ये आपके फीडबैक से हमें बताएंगे कि आपको कैसा लग रहा है। अभी तक कितने एपिसोड रिकॉर्ड हो चुके हैं? जी गिना तो नहीं है लेकिन लगातार काम चल रहा है। बहुत सारे हैं, बहुत सारे किस्से हैं, बेसिकली मोमेंट वो किस्से हैं, बहुत सारे नोक झोंक के किस्से हैं, वो एक्सप्रेशन हैं जो बड़े यादगार हैं। हप्पू जी का रिश्ता कैसा है घर में? अभी तो अभी तक आपने निछावर लेते उनको यू नो परेशान लोगों को थप्पड़ मारते लाइन मारते देखा है, ये अपनी बीवी को कैसे पटाते हैं, अपनी बीवी से कैसे बात करते हैं, वो इतने ही रोमांटिक है,
वो एक रोमांटिक अंदाज आप देखेंगे, वो एक झुंझलापन देखेंगे आप, वो बहुत सारे क्या कहते हैं, बहुत सारे रस आपको देखने को मिलेंगे। थैंक यू।